भारतीय जनता पार्टी उस जंतर मंतर का शुद्धिकरण करने जाएगी और इसके बाद हम वहां भी वहां से छोटी सी मीटिंग करेंगे, क्योंकि हम तो बात बात में रामलीला मैदान भरते रहते हैं। तो कल हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाइम क्या रखा है हम लोगों 10:30 आप लोगों के लिए है। वैसे तो हम लोगों ने सबको 10 बजे ही बुला लिया है, क्योंकि पहले आप लोगों के आने के पहले झाड़ू लगा के सब सफाई करेंगे और कुंभ से मैं गंगा जल लाया हूँ, उसका तो मंत्र में बैठना पड़ेगा और जंतर बांध के बैठना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग जंतर बांधना समझते होंगे, जंतर गांवों में बांधा जाता है। तो मैं ये जानकारी देते हुए अपनी कई सारी जानकारियों को अच्छा लाइन लिख के दिया है। देखिए ये अचानक मेरे पास आया है, किसी साहित्यकार ने लिखा है कि जो एक केजरीवाल की लिस्ट में खलनायक थे आज वो नायक बन गए, वाह केजरीवाल वाह। दोस्तों मेरा राजनीति अरविंद केजरीवाल जी का भी होना है, यही अगले चुनाव में ममता दीदी का भी होना है, तो ये सारे लोग अभी केजरीवाल जी का आजकल एक वीडियो चल रहा है, जबकि कुछ दिन पहले बोलते थे कि मेरे पास देखो रावण बढ़ेरा शास्त्र का इतना मेरे पास सबूत है, तो जो पत्रकार पूछ रहे थे उन्होंने उनसे कहा इतना सबूत है तो आपको जाना चाहिए, कोर्ट में चले जाना चाहिए। तो अचानक वो बोलते हैं कि नहीं इतना है और घर में भी रखे हैं बहुत सारा, लेकिन एजेंसियां रावण बढ़ेरा के खिलाफ कहां कोई हिम्मत कहां है कि उसके ऊपर हाथ डाले, ऐसा बोला था। अब वीडियो सब देखे हुए हैं, बस जो दिल्ली की पब्लिक सुन रही है वो भी जानती है। और ठीक ऐसे लगता है कि वो बिफोर और आफ्टर खटाक आता है, अब रावण बढ़ेरा के ऊपर आज भी सुनवाई हुई, आज भी पूछताछ हो रही है। अब भारत की एजेंसियां किसी से डरने वाली नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी आपको लगता था कि कल तक उनके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती थी, आज किसी को हाथ डालने की हिम्मत